Hello guys, welcome back to your own YouTube channel, JK Jobs Update Point. This is your friend Sagar Rana. So, two videos, the part which I have already told you, multiple choice questions, which are computer applications, which are coming exams, which will have a lot of possibility. So, further, we talk about it. Now, we are in the video part 3rd, we talk about it. So, video ke part 3rd mein jaane se pehle main aapko bata dun jo is video mein main discuss karne ja raha hu wo hai aapke viruses aur antiviruses aur kuch little bit ek do questions jo mere pehle do sections mein reh chuke hain, do videos mein aa chuke hain, usko discuss karenge. So aap jante hain jis tarah meri pehle do videos mein main aapko bata dun bahut zyada important question hai aur maximum 90% probability in questions ki thi exam mein aane ki, wo aa bhi sakte hain aane wale exam mein. Even high courts ke exams to abhi chal hi rahe hain aur further hum agar baat kare to स्किम्स के एग्जाम जो कंडक्ट होने वाले हैं, साथ ही जब JKSSB का एग्जाम है जो CBT 15 दिसंबर को कंडक्ट होने वाली है, उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकती है. वीडियोज़ जो मेरी 3 पार्ट की वीडियो होंगी, 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तीसरा पार्ट जो है मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ इस वीडियो के साथ. बट जिस किसी भी व्यूअर्स ने मेरी पहले 2 वीडियोज़ के पार्ट नहीं देखे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पार्ट को चाहे देखें ना देखें, बट वो 2 पार्ट देख लें, बिकॉज उन 2 पार्ट से मेजर क्वेश्चन जो है वो पूछ होने वाले हैं. इन 2 पार्ट से मैं आपको पहले बता दूँ, इन 2 वीडियोज़ में पहले वाले में मैंने जो है वो 40 क्वेश्चंस आई थिंक डिस्कस किए थे, माफ कीजिए 39 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. सो पेंडिंग जो मैंने 10-12 क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और टोटल जो मैंने आपको बताया था इसका नॉर्म्स की मैं 50 क्वेश्चंस का गैस आपको दूंगा, जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी क्वेश्चन के आने की कंप्यूटर सेक्शन से. तो ये जूनियर असिस्टेंट की एग्जामिनेशन के लिए ही जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ. सो भरते हैं वीडियो के साथ आगे, ज़्यादा लंबा ना करते हुए. तो आप देख सकते हैं 14th क्वेश्चन जो हमारा है वो है द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस. जी हाँ, बिल्कुल बता देता हूँ, आपके मोबाइल फोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका पर्सनल कंप्यूटर हो, सभी में मैक और आईपी एड्रेस होता ही होता है. जब भी आप ब्राउजिंग के लिए जाते हैं मैक एड्रेस तो रहता ही है. तो फर्दर बात करते हैं कि कौन सा प्रोसेस रहता है, वायरस और एंटीवायरसेस के कंसेप्ट में बात कर रहा हूँ, जो क्या करता है कि आपके जितने भी मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस रहता है उसको रिप्लेस कर देता है, फेक एड्रेस बना देता है, जिससे आपकी रियल आइडेंटिटी छुप जाती है. सो फर्दर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है स्पूफिंग, जो है वो जो एक वायरस की टाइप है. तो अगले क्वेश्चन में भरते हैं फर्दर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? जी हाँ, बिल्कुल क्वेश्चंस तो नहीं पूछा जा सकता, बट 10% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन जो है पुट आउट हो सकता है. तो इसकी जो एब्रीवेशन रहती है वो रहती है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. डैश इज द स्मॉलेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू एक्सेस योर डेटा आ हार्म योर फैस. बिल्कुल जी, आप सब जानते हैं, हमें उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम बताना है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है आपका डेटा को एक्सेस करने के लिए और आपके जो फाइल्स हैं उनको हार्म करने के लिए विदाउट आपकी परमिशन के. सो ये जो इसका आंसर है, जो आप सभी जानते हैं, वायरस रहेगा इसका आंसर. सो उसी तरह से अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? जी हाँ, बिल्कुल ये क्वेश्चन है जो वो मैं आपको बता देता हूँ कि KBC के एक प्लेटफॉर्म में जो क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा पहला कंप्यूटर वायरस था, तो आप इसको क्रीपर या आर्पनेट कह सकते हैं, जिसको बाद में नेम्ड किया गया था आर्पनेट, और जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था उसको क्रीपर कहा गया. तो फर्दर आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा. फाइंड आउट द वायरस मैंशन बिलो डिस्ट्रॉय द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर. जी हाँ, बिल्कुल, जो इंटरनल सिक्योरिटी जो है कंप्यूटर की उसको ब्रेक करता है और बैकडोर एंट्री ओपन करता है मैलिशियस, यानी कि जिसमें आपका ट्रोजन हार्स वॉम स्पाइवेयर ये सब जो वायरसेस हैं जो मैलिशियस वायरस के अंदर आ जाते हैं, तो इन सब के लिए जो है वो बैकडोर एंट्री क्रिएट करता है, वो कौन सा वायरस है उसको हमें फाइंड आउट करना. से आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस मेरे पास 4 हैं, ट्रोजन हॉर्स वॉम स्पाइवेयर फिजिंग. सो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या. इसका आंसर है जी ट्रोजन हॉर्स, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वीडियो में. सो ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं. तो कभी भी एग्जाम में सिक्योरिटी ब्रेकिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है वायरस के ऊपर, तो आपने बिना सोचे ट्रोजन हॉर्स को सेलेक्ट कर देना. सो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं. विच कंप्यूटर वायरस रिप्लीकेट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड द वायरस टू द कंप्यूटर? जी हाँ, बिल्कुल वॉर्म आंसर है. आप देख सकते हैं बारिशों में भी हमें वॉर्म टाइप के जो है इंसेक्ट्स मिलते हैं जो अपने आप को ही रिप्लीकेट कर देते हैं. सो उसी तरह से एक वायरस है जो खुद को रिप्लीकेट कर देता है अपने अदर सिस्टम्स में वायरस डालने के लिए, किसी भी और सिस्टम में थ्रू आप किसी भी मीडियम के कह सकते हैं. सो वो जो रहता है उसका आंसर है वॉर्म वायरस को हम कहते हैं. तो फर्दर आगे बात करते हैं. विच वायरस इज कंसर्न विद द इंटरनल एक्टिविटी, माफ कीजिए, इंटरनेट एक्टिविटी एंड स्टील्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन विच यूजर कैन सेंड एंड सेंड टू रिमोट कंट्रोल? जी हाँ, बिल्कुल, कौन सा ऐसा वायरस है इसमें पूछा गया जो कंसर्न रहता है आपकी इंटरनेट एक्टिविटी से और आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको वो कैप्चर कर लेता है. सो मैं आपको बता देता हूँ, ये स्पाईवेयर जिसको हम की लॉगर भी कहते हैं. जी हाँ, बिल्कुल, की लॉगर एक कंसेप्ट है. जैसे कि सपोज आप किसी का मोबाइल फोन, एग्जाम्पल दूंगा आपको नेचुरल वे में, कि अगर आप किसी का मोबाइल फोन यूज़ करते हैं वहाँ पे फेसबुक में
यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, अगर उसके फ़ोन में की लॉगर या फिर स्पाईवेयर का जैसा कुछ रहता है, तो आपका जितना भी यूजर नेम आप पासवर्ड वहाँ पे जो लॉगिन करते हैं वो उसका बैकलोड एक फाइल होती है .php, उस पर जाकर डेटा सेव हो जाता है। इन फ्यूचर जो भी उसका ऑथराइजेशन या किसी के जिस किसी ने भी उसमें इंस्टॉलेशन की होती है, वो आपका जो है हिडन जो भी रहता है आपका सिक्योरिटी रीजन लाइक यूजर नेम पासवर्ड, तो वो उसको कैप्चर कर लेता है और आपका जो है वो डेटा को हार्म हो सकता है। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं, नेम द वायरस वी डिस्प्ले एंड डाउनलोड अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ बिल्कुल, जब आप चलाते हैं कुछ भी इंटरनेट में ब्राउजिंग में काम करते हैं तो बहुत सी एडवर्टाइजमेंट्स जो है आजकल हमें दिखती हैं, कहीं अगर खुद ही कुछ एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाती हैं। सो जो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोडिंग होती हैं जब आपका सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, जो विजुअल होती हैं आपको, वो है हार्डवेयर एडवेयर वायरस है जो वो उसकी वजह से होती है। सो फर्दर आगे कुछ में बढ़ते हैं, नेम द वायरस विच इन्फेक्ट द एम एस ऑफिस फाइल। जी हाँ बिल्कुल, एम एस ऑफिस की फाइल यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यूपी फाइल्स हैं आपके, कौन सा ऐसा वायरस जो उसको इन्फेक्ट कर सकता करता है, मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है मैक्रो वायरस। सो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फाइंड आउट द वायरस फ्रॉम द कीवन बिलो। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैंने कुछ एंटीवायरसेस के नाम दिए और कुछ वायरस के लिए हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पुट किया ताकि आपको एंटीवायरसेस के बारे में भी पता चले कि किस तरह के एंटीवायरस है। ऐसे तो बहुत से एंटीवायरसेस हैं बट मैं सभी को लिटिल बिट इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सो इसलिए मैं आप मेरा मैक्सिमम रहता है कि जितने भी क्वेश्चन जैसे इनपुट आउटपुट में आपने मेरी पिछली वीडियोज में देखा था, तो मैंने वहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट डिवाइस को शो किया था, बिकॉज आउटपुट डिवाइस हमारे पास 5 ही है, उसके अलावा सभी के सभी कितने कंपोनेंट्स हैं वो इनपुट डिवाइस में आते हैं। सो इसलिए मैं मेरा मैक्सिमम यही रहता है अपॉर्चुनिटी कि आपको कम से कम टाइम में और छोटी से छोटी बात पे आपको बड़ी चीज है वो समझाई जाए। सो फर्दर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा, और देख लीजिए यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन नहीं इवन 4 से ज़्यादा ऑप्शन रखे ताकि आप तक पहुँच सके कि कौन सा यहाँ पे है जो वायरस है। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ जनरली, यहाँ पे मैंने सभी एंटीवायरसेस रखे हैं, सिर्फ एक वायरस रखा है ताकि आपको एंटीवायरसेस ज़्यादा याद हो जाए। तो देख सकते हैं आप K7 एक एंटीवायरस है, QT एक एंटीवायरस है, नॉर्टन एक एंटीवायरस है, और देखिए मालवेयर जो है, मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो मालवेयर है जो एक वायरस में आता है, सो मालवेयर में बहुत से वायरसेस भी, इवन छोटे छोटे वायरसेस आते हैं जो मैं ऑलरेडी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगले बढ़ते हैं, क्विक हिम एवरेज और ट्रेंड माइक्रो और एफ सिक्योर, सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द एंटीवायरसेस एक्सेप्ट मालवेयर। सो आप देख सकते हैं बहुत से एंटीवायरसेस के नाम भी आपको यहाँ से जो याद हो जाएंगे। सो इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, जिनसे कोई डाउट होता है एग्जाम में, क्योंकि फाइंड आउट करेंगे कौन सा वायरस है, सपोज आपको आता है कौन सा एंटीवायरस है, तो अगर आपको 3 वायरस दिए होंगे, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको वायरस वाला भी एंटीवायरस दिख जाएगा, तो यू डेफिनेटली पुट आउट द आंसर, करेक्ट आंसर दिया। और सो फर्दर आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। जी हाँ बिल्कुल, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर बोल्ड सेलेक्ट। जी हाँ बिल्कुल, बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि एंटीवायरस में फिलहाल मैंने 2-3 क्वेश्चन जो है मेरे माइंड पर बाद में स्ट्राइक हुए हैं, जो मैंने इस पर डाले हैं फाइल पे। सो जो मैं बता देता हूँ कि बोल्ड की जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना ज़्यादा नहीं है, आई नो कि आप सभी जानते रहेंगे, बट फिर भी इस वीडियो में मैंने उसको डाला है। कंट्रोल प्लस बी इज द शॉर्टकट की फॉर बोल्ड द सेलेक्टिव टेस्ट, और कंट्रोल प्लस सी से जो है वो हमारा कॉपी जाता है। सो इस वीडियो में अभी तक फिलहाल इतना ही। अगर आपको कुछ भी कंप्यूटर के रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, स्किल्स में, JKSSB में या फिर JK हाई कोर्ट में किसी को भी प्रॉब्लम आती है, तो वो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, बिकॉज ऑफिशियल टाइम पे तो मैं आपको नहीं हेल्प कर पाऊंगा, बिकॉज आई हैव द लॉट ऑफ वर्क इन माई ऑफिस। और सो 10 से 4 के बाद आप जितनी 10 से पहले या 4 के बाद आप मुझे जितनी जो हेल्प लेना चाहें आप ले सकते हैं। डेफिनेटली आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड आफ्टर हेल्पिंग यू। सो मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए बेस्ट करूँगा, बिकॉज मैं जानता हूँ एक अनएम्प्लॉयड के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम चलती है जब हम अनएम्प्लॉयड रहते हैं, इनएजुकेटेड रहते हैं। सो मेरा यही फोकस है चैनल के साथ कि मैं जितने से ज़्यादा हो सके जितने हैं कैंडिडेट्स उन तक मैं अपना जो भी है नॉलेज है मेरे पास मैं पहुंचा सकूं। सो वीडियो को देखते रहें, चैनल के साथ बने रहें, और इन फ्यूचर में आपको एक फिर भी एक न्यूज़ दे देता हूं कि कल से जो है मैं वो स्कीम्स के सिलेबस के पर्टिकुलर टॉपिक की एक डीप वीडियो डालूंगा, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, और हर एक टॉपिक के बाद उसके जो है मल्टीपल चॉइसेस मेरे अकॉर्डिंगली जो निकलेंगे उसको भी मैं वहां पे मेंशन करूंगा। सो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करके रहें, और बेल आइकन को जरूर दबाते, बिकॉज ऐसा ना हो कि मैं वीडियो डालूं और आपने बेल आइकन ना दबा प्रेस किया हो तो आपको जो इसका अलर्ट नहीं जाए। बिकॉज कल से जो मेरा सिलेबस स्टार्ट होगा वो स्कीम्स के 35 मार्क्स के लिए, जी हाँ बिल्कुल 35 मार्क्स की आई थिंक स्कीम्स का जो है एग्जाम कंडक्ट होगा, या फिर हाई कोर्ट का जो देख सकते हैं 10 नंबर का आप देख सकते हैं JKSSB में CBT के लिए कंडक्ट होगा। तो जिन जिन कैंडिडेट ने कंप्यूटर सेक्शन में मेजर सेक्शन हैं इस पे मार्क्स जो है वो लेना चाहते हैं, जो बेटर करना चाहते हैं कंप्यूटर सेक्शन में एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी तो अपॉर्चुनिटी है कल से ही, जी हाँ संडे से, यानी कि 6 तारीख से कल से जो है मैं स्कीम्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने चैनल में। सो चैनल के साथ बने रहें, पहले कंप्यूटर सेक्शन को खत्म करूंगा, देन मैं बाकी मैथ रीजनिंग या इंग्लिश में आऊँगा। बिकॉज देखिए मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में हम इसलिए मैं पहले नहीं आना चाहता, बिकॉज आपको ट्रिक्स होंगे रीजनिंग की और मैथ की, वो आप कहीं से भी देख के सॉल्व आउट कर सकते हैं। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वो भी आपको एक ग्रामेटिकल ट्रिक्स ही आने चाहिए, ग्रामर आपको आनी चाहिए।
फर्दर अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो बहुत बड़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं विशाल अरिहान या किसी की भी आप, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पब्लिकेशन की बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं और अच्छा अच्छा कंटेंट भी दिया हुआ है, ऐसी बाकी बहुत अच्छा कंटेंट दिया है वहाँ पे, बट आप इतना डीप जाके पढ़ेंगे जैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का मैं देख रहा था, तो काफ़ी डीप कंसेप्ट था वहाँ पे, तो उस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो रेज नहीं हो पाएंगे होंगे ऑब्वियसली ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स में। सो वीडियो के साथ बने रहें और चैनल के साथ बने रहें, मैं डेफिनेटली जितना सॉर्ट आउट हो सकेगा आपके लिए करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बेस्ट विशेज फ्रॉम माई साइड फॉर दोज कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग इन दीज डेज फॉर द पोस्ट ऑफ यूनियन सिस्टम इन जेके हाई कोर्ट। सो बेस्ट विशेज रहेंगी इवन सीबीटी वालों के लिए जो दिसंबर में रहेंगे, स्किल्स वालों के लिए, तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हर के लिए, हर कोई एग्जाम क्रैक करें। सो थैंक यू सो मच।